अहम खबरी है, खैबर पख्तूनख्वा गवर्नर की असम्बली के बावजूद असम्बली इजलास ताहाल तलब ना किया जा सका। असम्बली सेक्रेटेरिएट को महकमा कानून के जवाब का इंतजार है। ज़राए के मुताबिक महकमा कानून की राय के बाद ही लाहे अमल तय किया जाएगा। गवर्नर की असम्बली के तनाजुर में महकमा कानून से राय लेना ज़रूरी था। क्या मामला है, जानते में ज्वाइन किया है नुमाइंदा एक न्यूज़ पेशावर सफ़ीरुल्लाह ने। सफ़ीरुल्लाह बताइएगा। बिल्कुल, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली की जानिब से असम्बली इजलास तलब किए जाने से मुतालिक समरी ने गुमगू किसी सूरत हाल पैदा कर दी है और इस वक्त सूबाई हुकूमत को इम्तिहानी सूरत हाल का सामना है, क्योंकि इजलास तलब नहीं किया जा रहा है और गवर्नर की जो समरी मूव की गई है उसके मुताबिक इजलास तलब करना जरूरी है। तो इसी तनाजुर में असम्बली सेक्रेटेरिएट ने महकमा कानून से इस सिलसिले में राय तलब की। कल ये दरख्वास्त भेजी गई महकमा कानून को और उनसे राय ली गई है कि आया ये इजलास तलब करना कानूनी होगा या नहीं। तो अभी इस वक्त ये सूरत हाल है कि इस महकमा कानून की जानिब से राय का इंतजार है कि जो ही वहां से कोई जवाब आता है तो उसी के तनाजुर में फिर आगे का लाइमल तय किया जाएगा कि आया असम्बली इजलास तलब करना है, उसको समन करना है या नहीं करना। तो असम्बली सेक्रेटेरिएट को इस वक्त ये सी इंतजार है कि महकमा कानून की जानिब से क्या राय आती है और जवाब क्या आता है। ठीक है, राय का इंतजार किया जा रहा है। आपने अपडेट किया सफीरुल्लाह, बहुत शुक्रिया।